फाइनली गाइस देख सकते हैं हमारे साथ ताहिर भाई हैं, जो कि इनका इंटर का पेपर है, कल हिंदी का है। तो इनसे पूछते हैं ये क्या क्या याद किए हैं कि नहीं, अभी ये बताते हैं क्या याद किए हैं और इनको क्या फील हो रहा है। कल इंटर का पेपर है गाइस, जो कि सबके दिल में जो है काफ़ी हो रहता है कि क्या लिखूँगा क्या नहीं। तो इनसे पूछते हैं क्या लिखते हैं क्या नहीं, ये इनको क्या पता है। तो चलो चलते हैं, फिर पूछते हैं। ताहिर भाई बताइए कुछ। जैसे ऐसा है ना, हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या बोला तूने? पेपर में जो आएगा, जो समझ में आएगा वो लिखेंगे, जो नहीं आएगा वो भी लिखेंगे, डट के मुकाबला करेंगे। एक बेरी तो मैं 12वीं में फेल हो चुका हूँ, मजा आया। दूसरी बेरी मैं पेपर देने जाने वाला हूँ, कल मेरा पेपर है, जो कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, ना तो हमारे अंदर डर है कोई, ना तो कोई चीज है। मेरे अंदर जितना जो कुछ भी है याद किया हूँ, उसको मेरे समझ में आएगा तो लिखूंगा, नहीं समझ में आएगा तब भी लिखूंगा, छोड़ूंगा नहीं एक भी क्वेश्चन। अच्छा, जैसे नहीं समझ में आएगा तो क्या लिखेंगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसमें क्या वो उसका भी ट्रिक है? ट्रिक, वही ट्रिक बता दीजिए ना, जो हमारे हैं जो सब्सक्राइबर लोग हैं वो भी पास हो जाएं। क्वेश्चन के आधार पे आंसर बनाएंगे, उसी अगर नहीं समझ में आएगा तो उसी क्वेश्चन के उसी क्वेश्चन के आधार पर हम आंसर बना देंगे। इससे जो है कॉपी भी भर जाएगा, फेल भी नहीं हो सकते, पास भी हो जाएंगे। और जो अगली बेरी में पेपर दिया था 12वीं का, उसमें फेल हो गया था, मेरा थोड़ा सा कमी हो गई थी इसलिए मैं फेल हो गया था। अब की बेरी में मैं कमी नहीं करूँगा कि मैं फेल हो जाऊँ, अब की बेरी में पूरा कोशिश करूँगा 100% कि मेरा 70 नंबर से कम नहीं आए। शाबाश बेटा, बढ़िया मुन्ना। तो गाइस देख सकते हैं ये क्या बोल रहे हैं कि ट्रिक लगाकर जो है पास करें पेपर को, अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको बना कर लिख दें और जो है पास कर लें, कि उसको कॉपी भरें, जब लिखेंगे तभी ही पास होंगे, बिना लिखे आप पास नहीं हो सकते हैं। तो अभी ताहिर भाई और हमें कुछ बताएंगे। तो वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना गाइस। तो ताहिर भाई और कुछ बताइए। और क्या बताएं, कल दोस्त लोग। तो ताहिर भाई पहले एक बात बताइए, आप क्या खा रहे हैं? एक गुटखा खा रहा हूँ। तो गुटखा क्यों खा रहे हैं? मतलब जो स्टूडेंट लोग होते हैं वो गुटखा नहीं खाते हैं। ऐसा ना, मैं गुटखा तो कम से कम करीबन मैं बचपन से खाते आ रहा हूँ, फिलहाल मैं इसलिए। तो घर वाले इस पर रोकते नहीं? नहीं, गुटखा के लिए नहीं रोकते। क्या बोलते हैं गुटखा के लिए? गुटखा के लिए घर वाले कुछ नहीं बोलते हैं, फिलहाल और कोई चीज मत करो, गुटखा जितनी सीमित हो उतना करना चाहिए, उससे आगे नहीं करना चाहिए, जिससे घर मतलब दारू वारू नहीं पीना चाहिए। हाँ, बाकी गुटखा उटका चलता रहता है, गुटखा उटका चलता रहता है, गुटखा उटका के लिए कौन बोलेगा। जितना सीमित है उतना करो, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो गाइस देख सकते हैं आप गुटखा भी खा सकते हैं, पर जो है आप दारू मत पिए, क्योंकि दारू जब पिएंगे तो इधर उधर रोड पर पड़े रहेंगे तो आपको कौन उठा कर लेकर जाएगा घर। और गुटखा रहेगा तो गुटखा खा सकते हैं आप। गुटखा एक जान लो, तो ये ताहिर भाई बताते हैं इनका जो है। गुटखा एक टावर के जैसा है, जैसे कि फोन में अभी टावर नहीं है तो बात नहीं होगी, और गुटखा अगर तुम्हारे दिमाग में कोई चीज चल रहा हो, समझ में नहीं आ रहा, अगर गुटखा खा लोगे वो चीज समझ में आने लगेगा। जो गुटखा नहीं खाते हैं उनसे मैं कृपया हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि वो गुटखा मत खाए। हाँ, तो गाइस देख सकते हैं जो नहीं खाते हैं वो मत खाएं, और जो खा रहे हैं वो खा सकते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी मिलती है गुटखा खाने से। ये ऐसा जो है यूपी वालों का मानना है, क्योंकि हमारे ताहिर भाई गुटखा से ही अपना जो है सब्जेक्ट याद करते हैं गुटखा खा खा कर। तो काफ़ी अच्छी बात है ये कि गुटखा से भी काफ़ी एनर्जी मिल रही है। तो कंपनी वालों को मैं जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो लोग जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। एनर्जी दे रहे हैं बच्चों लोग को। तो गाइस देख सकते हैं, तो ताहिर भाई इस बार आपकी निकाल देंगे? हाँ, एकदम पूरा पूरा निकाल से निकल जाएंगे, आपकी निकाल देंगे। तो गाइस देख सकते हैं ताहिर भाई बोल रहे हैं इस बार तो निकाल देंगे, तो इस बार उम्मीद है पूरी निकल जाएगी, पूरा उम्मीद है इस बार ताहिर भाई निकाल देंगे। तो गाइस ताहिर भाई कुछ बता दीजिए कि हमारे जो सब्सक्राइबर लोग हैं वो पढ़ाई करें कि गुटखा खाकर पढ़ाई करें? नहीं, अगर गुटखा नहीं खाते हैं तो गुटखा मत खाइएगा, और पढ़ाई करिए तो जम के करिएगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन के तौर पर ही अपना आंसर बनाएं। इतना
मैं कॉन्फिडेंस कर सकता हूँ कि आप अगर नहीं कुछ आ रहा तो पेपर में जो आता है क्वेश्चन रहता है उसके आधार पर आप आंसर बना सकते हैं। उसमें कुछ नहीं तो आपको दो नंबर है तो एक नंबर जरूर मिलेगा। लिखें जरूर, ये नहीं कि काफ़ी सादे ही डाल दें, ऐसा मत करिएगा नहीं तो फेल हो सकते हैं। आप अगर कुछ लिखेंगे तभी ही पास होंगे। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं, अगर आप कुछ लिखते हैं तभी पास हो सकते हैं, वरना नहीं पास हो सकते हैं। तो वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप घूमें मत और पढ़ाई करें और गुटखा वगैरह मत खाएं। जो खाते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं खाते हैं उनके लिए काफ़ी गलत बात है, क्योंकि घर वाले ये नहीं चाहते कि हमारा लड़का जो है वो गुटखा खाए। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।